दोस्तों यूपी क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। निश्चय ही हम जब आपके सामने उपस्थित होता हूं तो लगता है कि आपने अपने विषय की कल की जो आपको दिया गया था लेसन या जो भी विषय आपको दिया गया था, आपको परोसा गया था, आप निश्चित ही उसको पूरा कर लिए होंगे। तो दोस्तों कहावत है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यम करने से आता है और पहले भी बताया, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या नहीं आती है। इसलिए मित्रों आपको और हमें आलस नहीं करना है, हमें रोजाना आपको सामने खड़े होकर, आपके सामने उपस्थित होकर आपके सब्जेक्ट पे चर्चा करना है, पढ़ना है, लिखना है, दोनों काम करना है। तो मैं सीताराम सरोज, जो हिंदी संकेत लिपि के विषय में हम आपसे बात करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, फिर से एक बार एक मिनट याद कर लें पिछला वाला व्यंजन, व्यंजनों के बाद व्यंजन का जोड़, स्वर, जिनको अब भी ना याद हुआ हो वो दिमाग में बैठकर आसानी से याद कर लें, ताकि वो आजीवन आपके जहन में रहे, आपके दिमाग में रहे, कभी भी आप ना भूलें। मैं इसीलिए इतने दिन पढ़ाने के बाद अनुभव से कहता हूँ कि जैसे आप ए अंग्रेजी का ए जो है, ये व्यंजन जो है, बी जो है, इस तरह से इनको कभी नहीं भूलेंगे। भले इन अंग्रेजी के तमाम चीज़ें आप भूल जाएं, हिंदी के का को आप कभी नहीं भूलेंगे, खा को कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह से जितनी भी भाषा, जो भी भाषा आप पढ़ते हो, चाहे लोकल भाषा वहाँ की पढ़ते हो, चाहे हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हैं, ये मूल चीज़ें कभी दिमाग से निकलेंगी नहीं। चाहे आपको जितना वर्ष बीत जाए, प्रयोग करें ना करें, पर ये रहेगी। विद्या भये धृते वर्धते नित्यम, विद्या धनं सर्वधनं प्रधानं कहा गया है। आप जितना खर्च करेंगे उतना ही दिमाग में आपके आएगा। और दूसरा वाला धन है जो मुद्रा वाला है, उसको जितना खर्च करोगे आपके पास से कम हो जाएगी, भले वो आपको किसी प्रकार से, अन्य प्रकार से लौट करके आपके पास आए, अलग बात है, लेकिन विद्या के विषय में कहा गया जितना आप खर्च करेंगे उतना आपका बढ़ेगा। तो मित्रों सब हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, स्वर के लगाने के नियम सब सीख गए, बढ़ते बढ़ते सब चिन्ह आ गया, सब चिन्हों का भी प्रयोग हो रहा है, उससे संबंधित आपको अभ्यास दिए जा रहे हैं। कल हम आपके सामने उपस्थित थे, हिंदी संकेत लिपि के अभ्यास दिए थे जिनको हिंदी बनाना था, और आज आप हिंदी है आपकी किताब में, लेसन 18 है, और आपको संकेत लिपि में लिखना है। तो मित्रों आप किताब खरीद के रख लें, जब भी सामने आपके उपस्थित हूँ, आप किताब के माध्यम से और हमारे माध्यम से जितना भी आपको आता है आप ग्रहण कर लें। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप कायदे से पढ़ें, ताकि आपको आजीवन बना रहे दिमाग में। चलिए अभ्यास 18 ले लेते हैं। नंबर 1 पे लिखा है आपका, चल नहीं रहा भाई, क्या हो रहा है,
भाई कितना पैसे बन गए तो दोस्तों फिर से वही, जब तक हमारी कलम तैयार होती है तब तक हम आपसे कुछ बातें करते रहें। देखिए जो पढ़ने का नियम है, जो हम प्राइमरी में पढ़े थे वही आज भी है। शिक्षण कार्य का कोई रूप नहीं बदला जा सकता। जैसे धरती है, आकाश है, वायु है, सारी चीज़ें हैं, वैसे मानव के पढ़ने का तरीका भी कोई बदला नहीं है, वही है। तो बदला नहीं है तो सबसे पहले आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, सब कुछ लिखने के पढ़ने के बाद, कई बार पढ़ने के बाद किताबें बंद करके ऐसे दिमाग में एक एक लेसन तैयार करना चाहिए, एक एक शब्दों को, इसके बाद ये है, इसके बाद ये सब चिन्ह है, फिर ये वाला कैसे है यार, इसी से मिलता जुलता ये वाला है तो ये कहाँ है, और ये लाइन से ऊपर है तो लाइन पे कौन सा है, फिर लाइन को काट कर कौन सा है। इस तरह से जब आप याद करेंगे तो जीवन में कभी आपके पास से निकलेगा नहीं। तो चले मित्रों, लिखा है सबसे नंबर एक पे, हिंदी में लिख दिया गया है गणेश, ये है गणेश। तो गणेश शब्द के लिए आपके व्यंजन में ये अड़ा शब्द नहीं आया था, दिया नहीं है, पर इस अड़ा को हम ना से प्रयोग कर लेते हैं जो नाका व्यंजन है। उदाहरण के लिए गाया जाता है, हे गणेश के मम्मी, तो गणेश की मम्मी, अड़ा का ना से प्रयोग किया जा रहा साठन में। तो जहां भी आपका अड़ा आएगा, चाहे आधा आवे चाहे इतना ही अड़ा आवे और चाहे इतना अड़ा आवे, ये दोनों के लिए हम ना से प्रयोग करेंगे, ये इन्होंने शैली बताया है आपके लिए। चलिए लिखते हैं इन तीन व्यंजनों के शब्द में। सबसे पहले गा व्यंजन है और जोड़ा बनता है वो भी आड़ी रेखा है। इस शब्द में दो प्रथम व्यंजन, पहला और दूसरा, दोनों आड़ी रेखा है तो कहाँ लिखेंगे, और तीसरा जो सा व्यंजन बन रहा है वो सदा ऊपर से नीचे आता ही है। तो नियम है कि अगर दूसरा व्यंजन जब नीचे आने वाला होता है, आड़ी रेखा को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऐसी दशा में लिखेंगे, गा लिखेंगे, ना लिखेंगे, ये गणेश, ये लाइन पे आ जाएगा, ये आपका गणेश हो गया। जो हिंदी में शुद्ध पढ़ेंगे गणेश। अगला इसी तरह से है गदाधर, ये हिंदी है, आपको साठन लिखनी है, ये हो गया गा लिखेंगे, बाया वाला दा, फिर धा, चाहे ऊपर ले जाएं, चाहे नीचे ले जाएं, जहां भी आपकी इच्छा हो, ये ज्यादा सुंदर बनते हैं, इसलिए कि चार व्यंजन का शब्द है तो दो नीचे जो लगातार आ रहे हैं, तो तीसरा अगर ऊपर जाने वाला होता है तो हमारी मजबूरी है, अगर नहीं जाने वाला होता तो क्या करते, ऊपर कैसे ले जाते, इसलिए ये गदाधर, ठीक ना मित्रों। फिर है नमक, इनमें दिया है कि आपको व्यंजन को जोड़ेंगे, तीनों आड़ी रेखा है, क्या करेंगे भाई, ना भी माँ भी का भी, क्या करेंगे, ना लिखेंगे, जहां बनता है माँ लिखेंगे, उसी में का जोड़ देंगे, ये आपका नमक हो गया। फिर है गिरिया, गिरिजा, गिरिजा धर भी होता है और गिरिजा पार्वती का भी नाम है। जो भी मिलेगा, गा आड़ी रेखा है, ऊपर जाता है, ये हो जाएगा गा रा जा गर गिरिजा, ये मात्रा छोटी दोनों के बीच आ रही, यहां वाली तीसरे स्थान की, वो नियम सदा लागू रहेगा।
जैसे गणित में जोड़ घटाना, जोड़ के जो व्यंजन आते हैं हासिल वाले आगे जाते हैं, घटाना में भी क्या उधार क्या लिया जाता है, गुणा में भी आप उनसे उनका पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से नियम है कि जब दो व्यंजनों के बीच मात्रा आएगी वो अपने स्थान से हटकर आगे वाले स्थान पे जाएगी। तो इस नियम के अनुसार गा की मात्रा यहाँ रा के पहले स्थान पे, फिर रा में भी वही आया, रा के और जाके बीच में पड़ रहा है, इसलिए रा के वाली मात्रा हट के जाके तीसरे स्थान पे पहले पक्ष में, और ये जा गिरिजा, ये सठ का गिरिजा हो गया, इसी से फिर हो गया गिरधर। गिरधर पर गिर मीन्स पर्वत, धर माने उठाने वाले, यानी पहाड़ को उठाने वाले, अर्थात श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है गिरधर। तो यह भी उसी तरह से, इसी तरह से तो गा हो जाएगा, रा हो जाएगा दाया वाला धारा, ये गजब का मात्रा वही गिरधर, कहीं कुछ नहीं लिखना है, बढ़िया बना। अगला नंबर दो पे इसी तरह से हिंदी में है गुलनार, ये शब्द हैं तो क्या करेंगे, इनको इस तरह से बनाएंगे, फिर वही गा का दूसरा ला व्यंजन ऊपर जाता है ना, चाहे सीधे ऊपर ले जाएं या फिर गा लिखें ला लिखें ना लिखें डाउन वाला, या फिर गा लिखें ला लिखें फिर माँ ये वाला, कई प्रकार से बनते हैं जो आपको अच्छा लगे, इनमें से आपको चयन करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अरे ये शब्द कैसे बनेगा, कठिन है, जब आपको नियम नहीं पता है तो कैसे लिखेंगे। तो मित्रों आपको नियम जब याद रहेगा तो चाहे जितना बड़ा शब्द होगा, कठिन शब्द होगा जिसको आप नहीं पढ़े, इन्हीं नियमों के आधार पर हम व्यंजनों को जोड़कर कौन सा शब्द कैसे बनेगा हम लिख लेंगे। तो ये ज्यादातर अच्छा है ये गुल नार, नामे डाउन वाला रा लगा देते हैं, ये वाला नहीं ठीक है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा है गुल नार, ये ज्यादा अच्छा है ठीक ना, जो पहले बनाए थे ये वाला, इसकी मात्रा जहां लगेगी। अभी आप फिर ध्यान देने की बात है गामे ऊ की मात्रा दोनों के बीच आ रही है, क्योंकि दोनों जब व्यंजनों के बीच जो मात्राएं आती हैं वो तीसरे स्थान की आती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो छोटा हो बड़ा हो, इन्हीं पे सवाल उठता है और इन्हीं पे नियम बना है। ये मात्रा यहाँ से हट करके फिर यहाँ चली आएगी गुल, और ये ना यहाँ तक, और गुलनार नामे यहाँ की मात्रा हो गई गुलनार। इसके और तमाम नियम है पर स्पीड में जब और ढेर सारे नियम पढ़ेंगे तो अभी सिर्फ शब्दों को जोड़ कर में कर उनमें मात्राएं लगाई जा रही कि ऐसे शब्द आएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अभी तो यह हो रहा है, इसी को अभी और तमाम लिखते तमाम नियम हैं, अब वहां पहुंचेंगे तब चर्चा होगी, आज बस यहीं तक। अगला इसी तरह से है जीवन, ये जीवन है फिर वही दो व्यंजनों के बीच जा लिखे वाली थे ना लिख दिया तो मात्रा कहाँ जाएगी, ये बीच में आ रही तो जीवन यहाँ चली जाएगी, ये जीवन हो गया। फिर तैराक, तैराक तैरने वाला उसको तैराक कहते हैं, तैराकी प्रतियोगिता होती है तो तैराक हो गया, तो ताके बाद मात्रा आ रही है इसलिए पुराना वाला फार्मूला दाया वाला ता रा का ताए रा में बड़ा का मात्रा, ये आपका तैराक हो गया। इसी तरह से फिर है तौलना, तौलना तौलते हैं ना, फिर ये में इसमें भी दाया वाला चूंकि बाद में मात्रा आ रही दाया वाला ले लिए ता ला फिर ना तामे हो तो मात्रा दूसरे स्थान की नामे बड़ा की मात्रा डैश, ये आपका तौलना हो गया। फिर है पाइप, एक शब्द है, अब देख लीजिए
लीजिए, इस शब्द में वो आई वाली मात्रा का प्रयोग हो गया जो हल्के डैश से पहले स्थान पे बनती है, कौन सी? ये आई, बड़ी आई और आई, इसी का प्रयोग इसमें है। बड़ा की जगह ये हो गया और ये छोटी, यही तो लिखा है इसमें भाई। ऐसे शब्दों में क्या करेंगे, दो पा हैं तो एक पा को लाइन के ऊपर, एक पा को लाइन के नीचे, ये गजब का ऐसे सीधे सोचे नहीं गए, दिमाग में अंदाजा नहीं कि इस लाइन से इतना बड़ा इतना नीचे ऊपर होता है, इतना बड़ा ही नीचे होगा। छोटा बड़ा व्यंजन लिखेंगे तो आगे चलकर उसी व्यंजन में जिसको बड़ा करेंगे, दूसरा नियम, किसी व्यंजन को छोटा करेंगे तीसरा नियम, किसी व्यंजन को टेढ़ा करेंगे चौथा नियम, इसी तरह ढेर सारे नियम होंगे। पर इसीलिए आपसे कहा गया कि शुरुआत के जितने व्यंजन होते हैं लंबाई के उतना ही आपको लिखना है, छोटा बड़ा नहीं लिखना है। ये पा में आई का मात्रा हल्का डैश यहाँ पर हो गया पाई को, ये पाई धन प पाइप हो गया। फिर इसी तरह से नंबर तीन पे अगला है अगला है, मुझे विश्वास है कि आपको आ जाएगा पहले की अपेक्षा, चूंकि हमारी आदत थी मैं केवल नियम बता देता था और आप लेसन करके आते थे, तो हम काफी जागते थे जिनमें जो शब्द गलत होते थे उसको सही करते थे, ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसको ये करो। पर आपके हम काफी देख नहीं पा रहे हैं, इस लिहाज से हमको पूरा का पूरा लिखना पड़ रहा है। समझ लीजिए आपके लिए मुझे दोगुना काम करना पड़ रहा है, और इसके बाद भी यदि आपको नहीं आया तो फिर तो मुश्किल होगी यार, फिर तो आप कुछ नहीं क्या कहेंगे उसके विषय में, कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए कि मेरा मानना है कि कमजोर से कमजोर बच्चा बाद में सुधर जाता है। बहुत सारे लोग हैं, कोलंबस का, न्यूटन का, बहुत बल्ब बनाने वाले तमाम वैज्ञानिकों का नाम आप जानते हैं, जिनको बचपन में बहुत दिमाग पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, उनको दिक्कत होती थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो कैसे क्या बन गए। उदाहरण के लिए आप कालिदास का मैं नाम लेता हूं आपसे, उसी डाल पर बैठ रहे थे और जिसको काट, जिस पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, तो बताइए कौन सा दिमागदार होगा कि आप सही काम कर रहे हैं। पर ऐसे लोगों को मरा मरा कहते कहते राम राम आ गया और क्या तमाम बातें हैं, छोड़िए, लेकिन उदाहरण हम वहीं से लेंगे। तो मित्रों, चाहे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का हो, बहुत तेज बुद्धि का हो, चाहे मध्यम का हो, चाहे थर्ड का हो, जो कुशाग्र के हैं अगर वो ज़्यादा तेज लगाएंगे तो उनको ज़्यादा आएगा, बीच वाले को भी ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन तीसरा वाला जो कैटेगरी के हैं अगर वो लगाएंगे तो ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ असंभव है, आप भी पढ़ सकते हो। और हमारा एक ऐसा लेसन है, हमारा एक हिंदी संकेत लिप का ऐसा विषय है जिसको देखकर लोग दूर से ही भाग जाते हैं, अरे क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उर्दू है, अरबी है, क्या है, तमाम इस तरह से। लेकिन इससे आसान कोई है ही नहीं है, कोई भाषा नहीं है, जान लीजिए, समझने का फेर है। चलते हैं नंबर तीन पे। नंबर तीन है गुलाब। गुलाब जिसको जानते हैं आप उसका नाम है गुलाब ना, सब लोग जानते हैं भाई, गाली दिए, लाली दिए, बाली दिए, गा की मात्रा कहाँ जाएगी, वही पुराना फार्मूला, तीसरे स्थान का यहाँ पर, ला की मात्रा अपने ही स्थान पे, ये गुलाब हो गया। फिर इसी से मिलता जुलता है जुमला। जुमला कहते नहीं, जुमला, यहाँ भी वही चीज, दोनों के बीच आ रही, जा लिखेंगे, मा लिखेंगे, ला लिखेंगे। अब भाई वही फार्मूला, दोनों के बीच मात्रा वाला, वो हट करके यहाँ से जाने से हट कर अगले वाले माँ पे लग जाएगा और ला के बाद आ रहा है, इसलिए ला का दूसरा पक्ष इधर होता है, बड़ा की मात्रा यहाँ हो गई, जुमला हो गया।
सर्टेन का ये जुमला हो गया। अगला इसी तरह से पैराक, पैराक यहाँ भी सारे फार हुए वही पाली थे राली थे काली दिए पामे आय कमात्रा रामे बड़ा कमात्रा मोटा बिन मोटा ढस से पैराक दिहात दी हा और ता दिहात कितना तो दामे हा बाएं वाले से लगाते बनता है इसलिए दी हा ता दा की मात्रा बीच में आ रहा है इसलिए यहाँ पे और हा में पहले स्थान पे यहाँ पे ता में कोई मात्रा नहीं है दिहात हो गया आपका किताब में है आपके दिहात। इसी तरह से दौलत शब्द है दौलत फिर वही वाला दालिखे लालिखे तालिखे अच्छा बनता है ये दौलत दानियों की मात्रा दूसरे स्थान की हल्के बिंदु से आप याद कर लें दौलत। फिर अगला है इस तरह से नंबर चार पे है नूपुर माने जो भी हो नूपुर यहाँ भी ना आड़ी रेखा है दूसरा व्यंजन पा नीचे आने वाला इसलिए ना तो ऊपर लिखेंगे भाई ना हो गया पा हो गया गजब का सारे व्यंजन बराबर होने चाहिए आपके लिखना आपको है पढ़ना आपको है ना में फिर वही वहां बीच की मात्रा यहाँ पा पा के दोनों बीच की मात्रा हट कर रापे ये साठेन का नूपुर हो गया। फिर है नेग चार नेग चार ये शब्द हैं द्वार चार अब आपको खोजना होगा यहाँ भी नेग चार क्या करेंगे दोनों को ना लिखेंगे लाइन ऊपर चार डाउन वाला राइए गजब के बनते भाई ना में एक ही मात्रा चार में बड़ा का मात्रा नेग चार। बैरागी बैरागी जो बैरागी को पालन करते हैं ने घर द्वार छोड़कर बाहर रहते हैं बैरागी जिससे कोई सांसारिक सुख से नहीं विशेष मतलब है खाली जीते हैं बस वो लोग जिनको बैरागी कहा जाता है तो बा के बाद रा बाका बा रा और गा के में जोड़ के बा में ऐसी मात्रा प्रथम स्थान की है रा में बड़ा की मात्रा यहाँ पहले स्थान की गा में तीसरे स्थान की साफ साफ है यहाँ कोई झंझट नहीं है जहाँ लगा वहाँ लगा दीजिए। बैरागी के बाद है इसी तरह से बेहतर अच्छा कहें अच्छे से बेहतर कहने के वाला उसे अच्छा काम अच्छे से अच्छा तो यहां भी हो जाएगा बा हो गया इसे यहां लगा दिया ता स्वतंत्र है ऊपर भी जा सकता है नीचे अच्छा बनता है तो आप नीचे दोनों जो आपकी इच्छा हो लिखना आपको दोनों स्वतंत्र है जिधर आपको वैसे मेरे हिसाब से आपको ऊपर ले जाएंगे नीचे ही ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं दोनों बढ़िया बनते हैं तो बा में एक ही मात्रा हर पर बेहतर कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेहतर हो गया। इसी तरह से एक शब्द है बैजनाथ बैजनाथ यहाँ फिर हो गया बा हो गया जा हो गया ये ना और ये था इधर बा में एक मात्रा जा बड़ा का मात्रा ये था कट गया ये आपका बैजनाथ हो गया दोस्तों। नंबर पांच में मोटाई शब्द है ये मापेंजन आड़ी रेखा से लाइन ऊपर लिखेंगे ये टा भले हमको ये दिक्कत हो काटना पड़े पर यही वाला लिखेंगे तो बीच में यहाँ आने का मतलब यहाँ ऊ डैश मोटा वाला और टा में आई वाली मात्रा आ रहा हल्का डैश पहले स्थान की तो ये आई हो गया हल्का डैश का ये मुटाई हो गया सर्टेन का। इसी तरह मुश्किल शब्द है मुश्किल
वहां लिखेंगे उलट के, चूंकि सा नीचे आ रहा है, मूसा की ल, ये मामे बीच की मात्रा यहाँ, तामे यहाँ की मात्रा यहाँ, मुश्किल फिर है लगातार। हम कछुआ वाली बात करते हैं, आपको भी रोज आना पढ़ना है, अगर नागा हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। किस तरह से, मेरा व्यक्तिगत मानना है भाई, जब जिस दिन आप भोजन नहीं करेंगे शरीर कमजोर होगी। शरीर को बलिष्ठ बनाना, मजबूत बनाने के लिए आपको आहार चाहिए, और वो आहार दो बार या तीन बार लिया जाता है। तो शिक्षा को मजबूत करने के लिए आपको पर डे आहार लेना है भाई। आहार का मतलब यहाँ लगातार पढ़ने से है, ठीक ना। चले तो ये हो जाएगा लगातार, पेंसिल जोड़ ले तो आपको आ जाएगा, पर हमारा लिखना मजबूरी हम बता दिए। ला लिखेंगे, गा लिखेंगे, ता कौन वाला अच्छा लग रहा है, रा कौन वाला लिखेंगे, अभी आपको चयन करना है, क्योंकि आपको लिखना है। फिलहाल हमको तो बताना ही पड़ेगा ना आपको। चलिए लिख लेते हैं, पहले ला लिखते हैं, ला ऊपर, गा फिर ता दाया वाला, ये लगता है लगातार। तो ये तामे बड़ा का मात्रा हो गया लगातार, है ना। फिर एक शब्द और है लिपाई, ये शब्द है हिंदी के, लिपना माने कार्य करना होता है, उसी को लिपाई बन गया। तो इस शब्द में भी आई वाला, चूंकि ये इस मात्रा का प्रयोग आपको बार बार इस लेसन में दिया जा रहा है, ताकि आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाए, याद हो जाए। क्या करेंगे, ला नीचे से ऊपर ले जाएंगे, पाली दिया भाई, अब मामला फिर वही दो व्यंजनों के बीच वाला, ई की मात्रा आती है यहाँ, ला के बाद आती है, तो यहाँ से हट करके पा के पहले स्थान, पहले पक्ष में, तीसरे स्थान से हट कर तीसरे स्थान पे, ओपा के बाद आई हल्का डैश वाला, ये हल्का डैश हो गया, ये लिपाई हो गया। फिर है नंबर छः, करंजा, करंजा का के बाद रा ऊपर जाएगा। चूंकि हमने पढ़ा है साठेन की दुनिया में, जब एक व्यंजन ऊपर जाता है दूसरा नीचे आने वाला होता है, तो इस नियम का पालन हम जरूर करेंगे, नहीं आने वाला होता तो कोई बात ही नहीं, जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। काली दिए लाइन से रा ऊपर जा नीचे, ये गजब का, रा के बाद इनकी मात्रा जो डैश से बनती भाई, हल्का डैश से, और जामे बड़ा की मात्रा जो मोटा डैश से बनता है, मोटा डैश लगाएंगे, ये करंजा हो गया। इसी तरह से कंबल है। अब आपको यहाँ आ गया, आधा माँ तो आपको बताया नहीं गया है, अब आप लिखेंगे कहाँ से। हिंदी में था तो माँ लिखते थे पूरा, और छोटा माँ इस तरह से लिखते थे, और शॉर्टहैंड में भी नहीं है, यम है तो यम है, चाहे वो छोटा वाला लिखें चाहे बड़ा वाला लिखें, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर। पर हिंदी एक ऐसी चीज है जिनमें अधिकांश व्यंजन पूरा का पूरा भी लिखा जाता है और आधा भी लिखा जाता है, पर हम शॉर्टहैंड की दुनिया में जितने भी व्यंजन हाफ होते हैं, आधे होते हैं, उनके लिए हम संपूर्ण व्यंजन का, जो पूरा पूरा व्यंजन हम सीखें, उसका प्रयोग करते हैं। पर जब हम इसकी हिंदी लिखने लगते हैं तो अरे यार कंबल में, अगर कभी आपने कंबल इस तरह से माँ बाला पढ़े हैं का कंबल, उसका अर्थ ही दूसरा हो जाएगा। तो हम इसको नाली करके जब भी कभी लिखेंगे इसको लिखेंगे ना भाई। तो चलते हैं, अब बात आती तीसरा व्यंजन नीचे आएगा, का भी आड़ी रेखा, माँ भी आड़ी रेखा, दोनों आड़ी रेखा हैं तो क्या करेंगे। तो तीसरे वाले का ध्यान देंगे, जो माँ नीचे आ रहा है, बा नीचे आ रहा है, उससे पहले के दोनों व्यंजन लाइन के ऊपर,
ये हो जाएगा काली खेंगे माली खेंगे बोला भले हमको काटना पड़े, देख लेते हैं का माँ बाल ये अच्छे नहीं बनते यार, ये अच्छे बनते हैं संकेत भले ही हमको काटने पड़े, इसलिए ये आपका क म बल हो गया। और हिंदी में जब लिखेंगे तो आधा माँ पढ़ेंगे इसको। मैं आज ही चूंकि ये आपके लेसन में पहली बार आया है इसलिए हम आज से बता दे रहे हैं, हिंदी के जितने भी व्यंजन आधे होते हैं हिंदी संकेत लिख के संपूर्ण व्यंजन का प्रयोग करके जब हिंदी बनानी होती है तो उसको आधा लिख करके हम अपनी कापी में लिखते हैं ताकि मेरा गलत ना हो। कंबल हो गया, फिर जंतर, जंतर हो गया, ये अंक की मात्रा का प्रयोग क्या करेंगे, जा भी नीचे आ रहा ता भी नीचे जा रहा है, तो शुरुआत के दो व्यंजन देखते हैं जब दो लगातार नीचे आते हैं एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे तीसरा चाहे जहां जाए, ये हो गया जा हो गया ता हो गया रा जंतर, ज्यादा अच्छे बनेंगे। दाएं वाले का प्रयोग करेंगे बाएं वाले से नहीं बनेगा, तो आपका ये जंतर हो गया। फिर इसी तरह से जाचक शब्द है, जाचक जांचने वाला देखने वाला, जांच मीन्स जांच करना, और क शब्द लग गया तो जांचक हो गया मतलब वो आदमी जांच करने वाला जांचक। इनमें भी दो व्यंजन लाइन के ऊपर वाले हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं, जा तो ऊपर चाह तो नीचे का व्यंजन जोड़ देंगे ऐसे सीधे, ये गजब का जामिति संस्थान की मात्रा है चंद्रबिंदी है इसका प्रयोग कर लेंगे भाई पुराना वाला, नहीं तो फिर अगर पूरा लिखते तो इसके लिए चंद्रबिंदी के लिए ये शून्य और बड़ा की मात्रा ये लिखते तो साठ की दुनिया में हमको कम समय में ज्यादा लिखना है इसका प्रयोग कर लेंगे, जाचक है। फिर इसी तरह से पेचकस, पेचकस जो यंत्र होता है ना, यहाँ भी पा लिखेंगे चा लिखेंगे का लिखेंगे सा लिखेंगे, पा में एक मात्रा बाकी कहीं कुछ ये नहीं है पेचकस। फिर एक शब्द है लोबान, लोबान अब पता नहीं लोबान है या लोहबान क्या है, पर आपको लोबान लिखना है तो ला लिखेंगे नीचे सुपर, नीचे सुपर बा फिर ना भले काटना पड़े लो बान, ये आपका लोबान हो गया। इतने तो आपके शब्द हो गए, इन शब्दों में सभी मात्राओं को आपको लगाना था जो लगा ली। अब जो शब्द हैं आपको वाक्यांश में मिलेंगे छोटे छोटे वाक्य मिलेंगे उनमें कैसे लिखेंगे उनको कैसे लिखेंगे, चले नंबर सात में है वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है, नंबर सात में वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अब इसको लिखना है आपको, अब वाक्य हो गए अब आपको आसान हो गया, क्या करेंगे वह का सब चिन्ह लिखेंगे, अगर आपको सब चिन्ह नहीं मिला तो लिखेंगे वह हा वह, और नहीं तो इसका सब चिन्ह शायद मिल गया मुझे ध्यान उतर रहा है वह लिखेंगे, फिर बहुत का भी चिन्ह मिल गया है बड़ा का भी चिन्ह मिल गया है, आदमी दा से पहले आ रहा है इसलिए बाया वाला आदमी
हाय हो का चिन्ह मिल गया है, गया का चिन्ह मिल गया और है ये शॉर्ट हैंड हो गया। ये आपको लिखना है, वहां बहुत बड़ा आदमी हो गया है। फिर अगला है, अब बात बात में बिगड़ जाता है। अब बात बिगड़ जाता है, ठीक ना? तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे, चूंकि शायद अब आपका सब चिन्ह अभी मिला नहीं आगे है, तो बा लिखेंगे, बाद में आपकी मात्रा पहले जोड़ देंगे, अब हो गया। बात का भी सब चिन्ह नहीं मिला इसलिए बा लिखेंगे और ता लिखेंगे, ये बात हो गया। बात बात कहने का मतलब जब दो शब्द आता है लगातार, तो इसके लिए नियम है कि एक ठो यस मार्का लगा देते, ये वाला, तो इसका मतलब है कि यही शब्द दो बार लिखा है। नहीं लिखते तो फिर हमको ये लिखना पड़ता, फिर बा लिखते, फिर ता लिखते, ये बात होता, इतना लिखना पड़ता, लेकिन उतने से ही हम काम चला ले रहे हैं। आगे नियम है, अभी बताना नहीं चाहते थे लेकिन अब आ गया है, अब जान के जाएं, तो वहाँ पहुँचेंगे तो फिर से एक बार बताएंगे, चर्चा होगी। तो ये अंग्रेजी का यस बढ़िया सा, ये जो है उस शब्द को दोहराता है जो पहले लिखा गया है इसके स्थान पे। फिर मे का भी सब चिन्ह है, फिर बिगड़ बी गौड़ा बाकी मात्रा यहाँ चली आई, फिर जाता है जाता, फिर है सच्चे लाइन के ऊपर, ये आपके हो गए वाक्यांश। फिर है आठवां नंबर आठ, अतः सिद्ध हुआ कि, अतः सिद्ध हुआ कि, या इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखा है, दाधा वाला लिखा है ये वाला, जबकि सिद्ध यही है भैया, ये धा हाफ करते हैं, इसको आधा प्रयोग करते हैं, तो इसको तीन व्यंजन लिखना था, इसीलिए इन्होंने इसको बाद में प्रयोग कर दिया, यानी पहले कर दिया, तो इसका आधा हो गया। जिस व्यंजन से पहले जैसे दामी ये लगा दिया धा आधा, तो ये इस वाले व्यंजन को आधा पड़ेंगे, ये संपूर्ण पड़ेंगे, तो सिद्ध धा सिद्ध, ये सिद्धांत है। तो इस पहले यही लिखा जाता है कि उसको शॉर्ट करके ये लिखा गया, ये भी कहीं से गलत नहीं है, कोई काटेगा नहीं, ठीक ना? अतः सिद्ध हुआ कि बड़े आदमी के हाथ में ताकत है ना, ये लिखना है आपको। अतः सिद्ध हुआ कि बड़े आदमी के हाथ में ताकत है। बड़ा आदमी कहाँ से बनता है भाई? बड़ा आदमी का मतलब आपको संपूर्ण ज्ञान होगा, बुद्धि विवेक होगी, आपके पास ढेर सारा पैसा होगा, ढेर सारी दौलत होगी, उसी को तो बड़ा कहते हैं। पर यहाँ बड़े से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमको विद्या से मतलब है। तो अतः अति का चिन्ह आप आ गए हैं, बाईं साइड से लिखना है आपको, ये लिख लेंगे सिद्ध के लिए, सा लिखेंगे, दा लिखेंगे और धा लिखेंगे, ये तो सा की मात्रा बीच में आने की बजाय यहाँ हो जाएगी अगले वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पे, है ना? हुआ का भी चिन्ह आपको मिल चुका है, ये हुआ हो गया। छोटी की का भी सब चिन्ह मिल गया है, बड़ा बड़ी बड़े का भी चिन्ह मिल गया है, अब आप निश्चित कर लेंगे। आदमी फिर वही जो आप लिखे हो, के का भी सब चिन्ह मिला है, हाथ का भी सब चिन्ह है, आपको याद करना है। फिर है ताकत, तालिखे कालिखे ताए, ये और है का भी सब चिन्ह है,
ये 60 दिन का हो गया। फिर अगला है पर दीनानाथ, पर दीनानाथ माने ईश्वर से संबंधित है, दीनानाथ पर दीनानाथ सभी के सहायक हैं। आदमी की ताकत है पर दीनानाथ गरीब आदमी के, गरीब आदमी के सहायक हैं, मदद करने वाले हैं, है ना। फिर वही हो जाएगा पर का सचिन आपके पास है, ये है पर का सचिन हो गया। फिर दीनानाथ फिर लिखेंगे दा, लिखेंगे दाया वाला ना ना और था, दा की मात्रा यहाँ नाथ दीना नाथ कट गया, ये आपका दीनानाथ हो गया। गरीब गा लिखेंगे रा लिखेंगे बा गरीब आदमी, फिर वही आप सीख गए हैं के ये है सचिन है। सामे हाँ फिर लिखेंगे सा लिखेंगे हा लिखेंगे या लिखेंगे फिर का लिखेंगे, इस तरह से है का भी सचिन लाइन पे है, ये है, ये हो गया आपका नंबर 9। नंबर 9 में है आपका हाँ, फिर उसी से संबंधित दिया ताकि आपको याद हो जाए। हाँ अमीर लोग दीनानाथ भूले हैं, ठीक ना, ये हो गया भूले हैं, उसी से संबंधित है। गरीब और अमीर से मतलब है, जहां धन बड़े आदमी की बात हो रही थी, तो ये हो गया हाँ हामी भरने वाला सचिन, हाँ से जो बनता है लाइन के ऊपर, अमीर अमीर आपकी मात्रा यहाँ माँ की मात्रा यहाँ की बजाय यहाँ, अमीर लोग फिर वही लिखेंगे ला लिखेंगे गा लिखेंगे लोग, अमीर लोग दीनानाथ फिर वही पुराना वाला गा लिखेंगे ना फिर था दीनानाथ, है ना। को सचिन है फिर भूले भा लिखेंगे ला लिखेंगे भा में उसकी मात्रा यहाँ ला यहाँ और है लाइन की भूले हैं, उनकी पहुंच उनके पास नहीं है ना होगी, किनकी बड़े लोगों की जिनकी बात हो रही है उनकी विषय लिखा है, उनकी पहुंच उनके पास नहीं है ना होगी। तो ये हो गया उनका के लिए सचिन मिल गया उनका, उनकी उनकी ये उनकी पहुंच लिखेंगे पा लिखेंगे ये हा और सीधे चा यहाँ बीच की बजाय यहाँ, उनकी पहुंच उनके पास फिर भाई उनके पास पा लिखेंगे और सा लिखेंगे पास, पैसा पैसा पास नहीं है, ये वाला नहीं और है और फिर ना लाइन से ऊपर होगी, हा व्यंजन और गा व्यंजन हा में ऊ की मात्रा और गा की ये मात्रा होगी, ठीक ना। ये इतना हो गया, फिर आपका है लास्ट वाला नंबर 10। पे है पहले तो
लोग अति करके अति करके बुरा करते हैं, हैं बाद में भांति भांति और तौर तौर की बातें इत्यादि बनाकर अत्यंत मूर्ख बनते हैं। यह है मूर्ख बनते हैं, ये लिखना है आपको। फिर अंत में ऐसे साथी ऐसे आदमी का साथ कौन साथी देगा, ये आपका पूरा हो गया, यही लिखना है। अब तो मेरी समझ में शायद आपको आ गया होगा। फिर है पहले का सब चिन्ह है आपके पास, तथा ताई तो का भी सब चिन्ह है, लोग पूरा लिखना पड़ेगा, अतः आदि का भी सब चिन्ह है आपको याद करना होगा। करके का लिखेंगे, रा लिखेंगे, का लिखेंगे, कर के ये वाला एक ही मात्रा। बुरा का भी चिन्ह है लाइन काट के, करते हैं का रा और ते ये, और हैं का भी सब चिन्ह हो गया। बाद का भी सब चिन्ह है, में का भी सब चिन्ह है, भांति तौर का भी चिन्ह है, भांति का भी चिन्ह है, और अभी मिला नहीं आगे है और का सब चिन्ह इसी से बना। राम में और की मात्रा लगा दिया और हो गया। तौर का यहां भी वही वाला होगा, स्मार का, की का भी सब चिन्ह है आपके पास, बातें सब चिन्ह मिला नहीं है तो ये पूरा का पूरा लिखेंगे। बातें इत्यादि का भी सब चिन्ह है आप लिख लेंगे। फिर बनाकर बा लिखेंगे, ना लिखेंगे, का और बनाकर, या फिर ये वाला लिख लें बना का रा, ये वाला जो आपको अच्छा लगे, दोनों सही हैं, कहीं से मिस्टेक नहीं है। बनाकर अत्यंत का भी चिन्ह है आप देख लेंगे, मूर्ख मारा मूर्खा, मामे उ का मात्रा, यहाँ रामे कोई मात्रा नहीं, मूर्ख। फिर वही बनते हैं, बा लिखेंगे, ना लिखेंगे, ता में एक ही मात्रा है, ठीक ना लाइन पे। ऐसे आदमी का साथ, ऐसा आय का मात्रा से का मात्रा, ऐसा सब चीज नहीं मिला है। ऐसे फिर वही आदमी का भी सब चिन्ह है, साथ का भी चिन्ह है आप देख लेना। छोटा सा हम लिखते समय बता दिए थे साथ का, कौन का भी सब चिन्ह है, साथी का भी सब चिन्ह है, यहीं पे दे दिया ताकि दोनों साथ साथी का आपको प्रयोग हो जाए, देगा। ये आपके हो गए, लेसन समाप्त हो गया। तो मित्रों हमारा काम वैसे ही है, मुझे अभी पढ़ाते समय याद आया, जैसे आपको होमवर्क घर से मिलता है छोटे बच्चों को, तो आपको नहीं आता, आपका कोई बड़ा भाई, आपका जो सहयोगी है कि घर में आपको बच्चे को बताएं, नहीं लिख पा रहा तो लिख दें, ठीक वही मेरी स्थिति है। हम आपको एक एक शब्दों से लिख करके आपको परिचित करवा दिए, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि आप अच्छी तरह से संख्या फिर वही इसको नहीं भूलिएगा मित्रों, 20 बार वाला गारंटी है। कभी आप किसी भी परीक्षा में 60 अंक परीक्षा में फेल नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ और मैं इससे कम से समझौता भी नहीं करता। फिर वही जैसे हिंदी लिखा है पूरा 60 अंक लिखेंगे, एक अभ्यास हो गया, फिर नंबर 2 डाल के फिर शुरू से लेकर अंत तक लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, फिर नंबर 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, इस तरह से 20 बार यदि आप लिख लेंगे 20 पेज हो गया। और किसी काम को यदि 20 बार करेंगे, हमने पहले भी बताया है कि वो काम इतना आसान हो जाता है, कहते नहीं अरे मैं मेरे बाएं हाथ का खेल है या मैं आंख बंद करके इस चीज़ को बता सकता हूँ, ऐसे आपको याद हो जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। बस आज इसी के आशा के और विश्वास के साथ कि आप 20 बार अभ्यास कर लेंगे, याद करने के बाद आप लिखवा लेंगे, याद कर लेंगे। कल अगला लेसन है आपको, तो मैं चाहता हूँ कई लेसन हो गए अब आपको डिक्टेट कर दिया जाए, फिर उसके बाद लेसन चलते हैं, क्योंकि नियम आ गए हैं। अगला वाला नियम है आपका 1-2 है, सा सा और जा का नियम है, किन दशाओं में सा कैसे लिखेंगे इसके विषय में हम चर्चा होगी, पर उससे पहले मैं कल आपको 2 दिन खाली डिक्टेट करूंगा, जितना पीछे से पढ़ाए हैं हम आपको डिक्टेशन देंगे, आपको लिखना होगा। जब वो पूरा यहाँ तक 18 तक हम आ जाएंगे फिर अगला अभ्यास शुरू करेंगे। तो इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, नमस्कार।